मुझे से नाचीज को आशीर्वाद दिया। देखो कितना गजब का आइटम है मेरे सामने, क्या बात है, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। देखो ये भी एक चीज है, भगवान के बेरा किसे किसे बना देता हूं, एक घना काला गुमड़ी लकड़ी, और नाई की दुकान में सीधा जा, अरे जा की कांगा मारे बाला मरनू कर लगो, इस खूबसूरत ने भी कभी काल खा जाएगा। नाई ने सोचियो तो वही मन को नहीं देख, गुलाब का फूल सब तबुंडा है, इतना काला है जा दो बिन्ने और पेट में रह जाता तो ताई के पेट में फीम का गोला बन जाता। ले भाई ताऊ घना काला था, फिर दूसरे दिन आवे और नाई की दुकान में जावे और शीशा देख की फिर नू कह रहे लोगो, इस खूबसूरत ने भी काल खा जाएगा। नाई ने सैन भगत ने सोची, मास्टर जी ने यो मन को नहीं। दूसरे दिन एक छोटा हसी सा बारे टांग दिया, खराब खराब मुंह बारे देख की चले जाएंगे। सोची तो या थी ताऊ, पर उसने तो सीधा भीतर कमरा में बढ़िया और फिर बोलिया, बाल बाकी रह लोगो, इस खूबसूरत ने भी कभी काल खा जाएगा। नाई की भी सुई लाल में गई, गुस्सा मां की नुबलिया, सुन रे, इस खूबसूरत ने भी काल खागा तो काल भी गोबरे खाना है। तो कई बार ऐसे हो जाए हैं, तीन बुंडे काले, अरे सब्जी बोला पार्वती जा, नो बोली पार्वती ओ बोले, इनका संकट मेटन है, देखे इतने बड़े बड़े के दुख मेटे हैं, ये देख तीन दुखिया, इनका ब्याह भी कोनी होना, 45 साल तभी टपरे। नो बोले रे बावली, किस किस के दुख दूर करेगी या दुनिया दुखी फेरे रानी, चाल एक ने एक बेरा कोनी, धरती पर की सा जीव जंतु है। नो बोली ना, देखे त्रिलोकी के नाथ चालीन का दुख बांटांगे, आए तीनों अधोर ताऊ दिनेशी तथास्तु, तीनू नु बोले राम राम, बाबा जी राम राम, तीसरा नु बोले ओए बाबा या बहु कड़त लिया आयो, बेटा बहु तो सुतरी है, बोला बाबा या बहु कित लिया, बोला का राम खोरो तारी करनी का फल मिल रहा है, ये बहु कोनी है पार्वती है, मैं शिव शंकर भोलेनाथ हूँ, तुम मांगो तुम्हें क्या दुख है। बोला सच्चाई में? नु बोला बिल्कुल। बोला दे दोगे ना भोलेनाथ आप तो? भगवान बोला मांगो, एक एक वरदान है तथास्तु। पलड़ा नु बोला भोलेनाथ गाजर बरगा 6 फुट का 6 लगाबरू छोरा बना दे, गोविंदा तभी सुथरा, टेलीविजन में भी नहीं देखा उधर धर्मेंद्र इतना सुथरा बना दे, तथास्तु हो गया गाजर बरगा। दूसरा नु बोला हो गुरु जी, हे भगवान त्रिलोकी के नाथ इस तभी 21 बना दे, इस तभी सुथरा बना दे, तथास्तु वो भी सुथरा हो गया। तीसरा ने सोची कि मैं रह आए नहीं, सुथरापन था वो इसने ले लिया, इब तू के मांगे, अनाड़ी था नु बोला हे भोलेनाथ ये दोबारा वरदान नहीं मांग सकते। नु बोला ना इनके पूरे हो गए, आप मांगो अब। नु बोला हे भोलेनाथ मेरी तो देखी जाएगी, मन तो नुए रांडिये रोट पोने है, ब्याले भी सगाई आले चा पी की न अड्डा पत उल्टे चले जा है, नूकर मेरी तो देखी जागी, ये दोनों जो सुथरे बनाए थी न पहल ते भी बुंडाए कर दो, तथास्तु वो बुंडे हो गए वो सुथरा बन गया। तो कई बार ऐसा भी हो जा है। तो आइए अंतिम चरण में ये कार्यक्रम था, कोई गलती हो तो माफ करना, ये कंपटीशन का था, रात को एक एक बात प्रमाणित जागरण की होंगी, देवी देवताओं की होंगी, वो मैटर न्यारा होगा, उसके लिए वो न्यारा मैटर है, और एक बनी मोया कर रहता हूँ सपना का प्रोग्राम, वो मैटर न्यारा है, उसमें माता बहने को नहीं आवे, उसमें तो सारे गाने चलेंगे, कभी विस्की बन जाऊंगी कभी बरंडी बन जाऊंगी, वो प्रोग्राम न्यारा है। तो आज ये कंपटीशन था, हर तरह का कार्यक्रम हुआ है, और रात को देवी देवताओं का एक एक बात मेरी माता बहनों बतावांगे, शिक्षा पर्द माथा बिंदिया क्यों लग गए, करुआ चौथ का मतलब, ओम नमः सुहा का मतलब,
घर अपने के काम हो, दो चारे बात काम आया करे तो वो सत्संग में सत्संग से चलेंगी। यो था कंपटीशन, इसमें कोई गलती हो तो माफ कर देना, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान पे गलतियों बताई है ताऊ, भैंस ने नू बेरा पाट जा तेरा 40 रुपये किलो दूध बिके है तो ताऊ अपना ती दूध दे को नहीं, होटल पर दूध दे। हाँ जी बोलो जी, क्या बात है। देखो इस खूबसूरत को भी जानू दूसरा के ताश देखे है नू। चलो ठीक है करवा रहे हैं जी, करवावांगे, बैठ जाओ देवर जी, पिंडी पकड़ू। अरे भगवान ने दो पैर खड़े होने के लिए दिए हैं तो बैठने के लिए भी कोई चीज दी है, आप बैठो, अपनी कीमती चीज को धरती का रथ लो। ओके